राजधानी दून से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ एक साल में दून की सूरत बदली जाएगी। यहाँ विभिन्न योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो राजधानी दून को एक साल में बदल दिया जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता कनिष्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनिष्क, क्या कुछ खबर मिल रही है पूरी इस बारे में? क्या टेंडर की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं? कैसे दून की सूरत बदल दी जाएगी? बिल्कुल सूरत की बता दूं मैं, स्मार्ट सिटी मुहिम के तहत लगातार जो शहरी विकास मंत्रालय की बात करें या नगर निगम की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं, विभागीय लोग हैं, उनका यही जोर था किस तरह का पूरा मैप तैयार किया जाए, किस तरह इसको अमल में लाया जाए, इसको लेकर ही टेंडर किए गए। सड़कों से लेकर स्मार्ट पार्किंग के, स्मार्ट कॉम्प्लेक्स के, स्मार्ट रोड्स के, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल के टेंडर्स हुए। टेंडर्स की जो पास होने की जो तिथि है वो लगभग करीब ही है। माना जा रहा है कि एक साल के अंदर ये पूरा ये सब चीजें तैयार कर ली जाएंगी, फ्लाईओवर से लेकर पार्किंग व्यवस्था के साथ ही जो कॉम्प्लेक्स है, सारी सड़कें हैं, उन सभी तैयारी है जोरों पर है। कि निश्चित तौर पर केंद्र की तरफ से आदेश आने के बाद से ही जो राज्य सरकार है इस मुहिम को तेजी से जुटाने में जुट गई थी। तमाम विभाग के जगह बैठक भी की गई थी, तमाम कैबिनेट प्रस्ताव भी कई बार पास हुए, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया अब सड़क पर उतरती नजर आ रही है। कनिष्क, कब तक ये शुरुआत की जाएगी, कामों की शुरुआत कब से शुरू होगी, इस बारे में आपको कोई अपडेट है? बिल्कुल, लगातार अगर बात करें पिछले 6 महीने से तमाम जो टेंडर्स की प्रक्रिया है वो लगातार जारी थी। निगम की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार टेंडर की प्रक्रिया जारी थी। अब टेंडर में आवेदन होना शुरू हो गया और माना जा रहा है कि लगभग साल भर के अंदर पूरा काम कम्प्लीट कर लिया जाएगा और पूरे जो काम है जो धरातल पर नजर आएगा। धन्यवाद आपका कनिष्क। तो देहरादून से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साल में देहरादून की सूरत, उत्तराखंड की राजधानी की सूरत बदल दी जाएगी।